फ्रेंड्स, आज मैं आपको डांगरी का डिजाइन बताने जा रही हूँ, न्यू बॉर्न बेबी का। पहले मैंने आपको 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का साइज बताया था, अब मैं ये दूसरे तरीके से बताने जा रही हूँ और न्यू बॉर्न बेबी का बनाऊंगी। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए, ये मैंने 40 फंदे डाले हुए हैं, उसमें मैंने पूरे 5 कप फंदे लिए हुए थे, तो इसमें मैंने हाफ फंदे लिए हुए हैं। तो ये मैंने 40 फंदे लिए हुए हैं, एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। आप यहाँ पर कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं या बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर बना लिया है, अब आगे क्या करना है। एक ही सिलाई में हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे। इस तरह से एक का दो करते हुए, ये रॉन्ग साइड है तो इधर से हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। एक, दो, कुछ फंदे छोड़ छोड़ के इस तरह से 5 फंदे पूरी सिलाई में बढ़ाऊंगे। चार, पांच, ये हमारे 45 फंदे हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसकी लंबाई नहीं है तो हमें फंदे तो चाहिए ही, इसलिए हमने एक सिलाई में ही 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। उसके बाद हर चौथी सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाने हैं एक एक करके, वो भी एक साइड से, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, अब हमने एक तरफ एक फंदा बढ़ाना है, इधर की साइड नहीं बढ़ाना है। तो मैं इधर एक का दो बनाऊंगी इस तरह से, या आप किसी और तरीके से बढ़ाना चाहते हो, आपको जिस तरह से आता हो आप वैसे बढ़ा सकते हैं, बस एक तरफ बढ़ाना है एक फंदा। बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनानी है।
उल्टी तरफ से उल्टा, सीधे तरफ से सीधा बनाऊंगे। इस तरह से देखिए, उल्टी तरफ से उल्टा इस तरह से, और इधर फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक तरफ बढ़ाना है चार सिलाई के बाद। तो मैं दोबारा फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, हमें इतनी इतनी दूरी पर बढ़ाने हैं। ये देखिए, एक दो तीन, ये मैंने तीन फंदे बढ़ा लिए हैं, और इधर एकदम सीधा बनेगा इस तरह से। तो मैं अभी आगे और बनाकर दिखाती हूँ, कम से कम हमें इतना पोर्शन और बनाना होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पोर्शन तैयार हो गया है बनके। ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है, ये देखिए 5 इंच से हल्के सी, यानी कि 5.25 इंच है। इतने ही मैंने दूसरा पोर्शन बना लिया है, ये देखिए। ये देखिए, तो अब मैं इसको जॉइंट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये आसन आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने दोनों आगे के पोर्शन बनाए हुए हैं हाफ हाफ। ये दूसरे पैर लेफ्ट राइट दोनों हाफ हाफ पोर्शन बनाए हुए हैं। मैं इसको अब जॉइंट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ से हमने इस धागे को काट देना है और इसको जॉइंट करके ये देखिए, और यहाँ से हमने ये दोनों पोर्शन बुनते हुए आगे ले जाना है लंबाई होने तक। ये देखिए, इस तरह से कुछ हमारा ये बनके तैयार होगा। ये एक पोर्शन हो गया, आगे का या पीछे का कोई सा भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह हमें दूसरा पोर्शन भी तैयार करना है, तो मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। जितनी आपने लंबाई रखनी है उतना बनाना है। ये इसमें मैंने, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने इस साइड से फंदे बढ़ाए हैं और इसमें इस साइड से फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल हमारे ये फंदे 100 फंदे हो गए हैं। यहाँ हमने 40 डाले थे, 5 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए हैं और 5 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं, तो हमारे टोटल 100 फंदे हो गए हैं। तो आगे मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी इतनी लंबाई कर ली है। ये मैंने यहाँ पर 2 उल्टे 2 सीधे का पोर्शन ये वाला बनाया है। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या करना है कि हमने 12 फंदे लेने हैं इसी तरह बॉर्डर के 2 उल्टे 2 सीधे के। दो चार छः आठ दस बारह। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, धागा पीछे करके ये जो है यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है।
क्योंकि ये आगे तक हमने यहाँ इसको घटाना है। हर सिलाई पर, हर सीधी सिलाई पर हमने एक एक फंदा घटाना है और यहीं पर घटाना है इसी फंदे से। आगे हमने इस सिलाई में कुछ फंदे कम करने हैं, इधर के 12 फंदे छोड़ के बीच में हमने फंदे कम करने हैं, यानी कि 10 फंदे टोटल घटाने हैं यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करके 10 फंदे घटा दूँगी इस तरह से। फिर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फिर यहाँ पर घटाऊँगी 2 का 1 करके। ये 2 जगह हमारे घट गए, 2 फंदे घट गए। इसको छोड़ के यहाँ पर जो हमने घटाया है ये तो हमारा एंड तक जाएगा और इसी बॉर्डर के साथ बीच में हमने सीधे सीधे बनाने हैं। इस सिलाई में हमने उल्टे उल्टे लेने हैं, उसके बाद सीधे सीधा बनाना है बीच में और इधर उधर बॉर्डर बनेगा। ये 3 फंदे घट गए हमारे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फिर 2 का 1, इसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे फिर 2 का 1। इसी तरह पूरी सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। दो 4 6 8 10 12 14 2 फंदे हमारे और बचते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है जो हमारे बॉर्डर के साथ रहेगा इस तरह से। फिर ये हमारे 12 फंदे बॉर्डर के आ गए, 2 उल्टे 2 सीधे करके। लास्ट का फंदा स्लिप कर लूँगे। फिर ये 12 फंदे बॉर्डर के बनाऊँगी। बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊँगी क्योंकि बीच में हमने प्लेन बनाना है उल्टे सीधे का, जिस तरह से ये वाला पोर्शन है इसी तरह हमने बनाना है आगे। अब हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं क्योंकि ये रॉन्ग साइड है हमारा।
अब देखिए फ्रेंड ये 12 फंदे, फिर लास्ट के हमने बॉर्डर के बनाने हैं, दो उल्टे दो सीधे। फिर ये 12 फंदे बॉर्डर के, दो उल्टे दो सीधे, ये राइट साइड है, इधर से सारे फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी 12 फंदे के बाद। दो चार छः आठ दस बारह, उसके बाद यहाँ पर दो का एक करूँगी। इस फंदे को जिससे हमने पहले घटाया था इसी को हमने इस तरह से पलट के लेना है और फिर दो का एक करना है। ये हमें हर सिलाई पर करना है 50 फंदे रहने तक। तो इधर से अब मैं सीधा सीधा बनाऊंगी बीच का पोर्शन, अब देखिए इधर इस फंदे पर पहले हमने घटाया था, दो का एक किया था, तो इस फंदे से अब एक फंदा हमने इधर से छोड़ा हुआ है, तो हम इसके साथ इसको इस तरह से दो का एक करूँगे। ये देखिए इसी फंदे पर हमने लास्ट तक घटाना है, बाकी ये 12 फंदे हमने इसी तरह बनाने हैं, दो उल्टे दो सीधे। तो इसी तरह घटाते हुए और यहाँ पर सीधा बुनते हुए जब 50 फंदे रह जाएंगे तब हमें फिर ऊपर बॉर्डर बना के बंद करना है। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम दो उल्टे दो सीधे के यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पर बटन होल भी बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पर घटाने नहीं हैं क्योंकि 50 फंदे हमारे यहाँ पर रहते हैं।
तो मैं यहाँ पर बॉर्डर बना के बटन होल बना के इसको वाइंड ऑफ करूँगी सभी फंदों को। रॉन्ग साइड से भी हमने जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है, सीधे हैं उनको सीधा बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे धागा पीछे करके और इस तरह से दो का एक करके, फिर जैसे फंदे हैं वैसे ही हमने बनाने हैं, दो उल्टे दो सीधे का इस तरह से। इधर भी बनाना है और इधर भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। देखिए मैं तीन लाइनें हमारी बॉर्डर की हो गई हैं। यहाँ पर हमने 10 लाइनें बनाकर फिर सभी फंदे बंद करने हैं। मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों पोर्शन बन गए हैं। तो इस तरह से दोनों को हमने इस तरह अंदर सीधा रखेंगे और बाहर उल्टा, पोर्शन रॉन्ग साइड होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे यहाँ पर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक खुलिए खुला रहेगा। और देखिए मैंने ये स्टेप भी बना ली है। तो इस तरह से सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये देखिए टांगरी न्यू बॉर्न बेबी की तैयार है। मैं आपको इसका इंची टेप से नाप के भी बता देती हूँ। इसकी टोटल लंबाई देखिए 17 इंच है, ये देखिए यहाँ तक। तो आपने अपने हिसाब से जितनी रखनी है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।